हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शाहजर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। शाहजर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका पुनः स्वागत। आज हम आ चुके हैं फोटोशॉप 7.0 में ऑल टूल्स पार्ट 1 लेकर के, जिसमें आप फोटोशॉप 7.0 के सभी टूलों के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एलिप्स मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ये क्या होता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। इमेज को ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंगल रो मार्क्यू टूल से पहले हम रेक्टेंगल टूल सीखेंगे। रेक्टेंगल टूल क्या होता है, ये आपके किसी भी इमेज को आयताकार में सिलेक्ट करता है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल से हम किसी भी न्यू पेज या बैकग्राउंड पर मूव करा सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगल टूल के माध्यम से हम एक इमेज को सिलेक्ट करके दूसरे बैकग्राउंड पे ले आए। ये हमारा सिंगल, ये रेक्टेंगल टूल्स है हमारा। उसके बाद प्रॉपर्टी में ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है, जो हम रेक्टेंगल से सिलेक्ट किए हैं उसमें से अगर किसी इमेज का कोई भी और भी हिस्सा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा इमेज का और भी एरिया ऐड किया गया है। तो ऐड सिलेक्शन जो है रेक्टेंगल के अंतर्गत आता है, जो प्रॉपर्टी में पाया जाता है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन के बाद जस्ट अगला है सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये कुछ एरिया को अनसेलेक्ट करता है, किसी भी इमेज के कुछ एरिया को अनसेलेक्ट करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगला ऑप्शन है, ठीक है, एक और जो मिलता है, इसमें से जो भी एरिया हमें सिलेक्ट करना है उतना ही यहाँ पे रेक्टेंगल के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो हमारा है एलिप्स मार्क्यू टूल। एलिप्टिकल क्या होता है, ये एलिप्टिकल टूल का प्रयोग किसी भी इमेज को अंडाकार या गोलेकार में सिलेक्ट करता है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, जिसकी शॉर्टकट की एम होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किए एलिप्स टूल के माध्यम से। उसके बाद हमको इसको न्यू पेज पे लाना है, तो एलिप्स टूल से पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मूव टूल से न्यू पेज पे इसको मूव कराएंगे। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक न्यू पेज पे ये आयताकार हमारा जो शेप्स था उससे ये वृत्ताकार में आ चुका है, यानी अंडाकार में, एलिप्टिकल टूल के माध्यम से। अगला है सिंगल रो मार्क्यू टूल। सिंगल रो मार्क्यू टूल क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में आसानी से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल रो मार्क्यू टूल से हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर एडिट मेन्यू जो हमारा मिलेगा उसमें एक स्ट्रोक आइटम मिलता है, स्ट्रोक में कलर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद कितने पिक्सल का आपको बॉर्डर देना है विथ में, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ब्लैक कलर से हमारा सिंगल रो के माध्यम से एक टॉप में बॉर्डर लग चुका है। इसी तरीके से सिंगल कॉलम, तो कॉलम के माध्यम से भी हम एक बॉर्डर दे सकेंगे। जैसा कि एडिट में जाते हैं फिर से पुनः स्ट्रोक में, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको हम सीधे से ओके करते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो हमारा कॉलम में बॉर्डर लग चुका है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में हम सिलेक्ट करेंगे, और इसमें भी हम स्ट्रोक में जाएंगे और सीधे से ओके कर देंगे। उसके बाद फिर अगला सिंगल रो मार्क्यू टूल फिर सिलेक्ट करेंगे, बॉटम में जाएंगे और क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर बॉटम में, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद फिर हमें जाना होगा एडिट मेन्यू में। एडिट के बाद स्ट्रोक पे जाएंगे। स्ट्रोक में जाने के बाद हमें करना क्या होगा, वही ऑप्शन फिर से हमें पुनः करना होगा। एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक और पिक्सल वही रहेगा, उसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए हमारे एक इमेज में चारों तरफ से सिंगल रो और सिंगल कॉलम टूल के माध्यम से आसानी से बॉर्डर लग चुका है। और अगला है मूव टूल। मूव टूल का प्रयोग आप जानते ही हैं, किसी भी इमेज के कुछ हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद उसको किसी अन्य जगह पर
ले जाने के लिए हम मूव टूल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले इमेज के कुछ हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे एलिप्स टूल से मैंने यहाँ पे इमेज का कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब इसको न्यू पेज पे हमें लाना है, तो मूव टूल पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके न्यू पेज पे ले आते हैं। तो इस तरीके से देखिए मूव टूल के माध्यम से सिलेक्टेड एरिया हम न्यू पेज पे आसानी से ले आए हैं। अगला है लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल, इन सभी की शॉर्टकट की एल होती है। इनका भी प्रयोग पिक्चर को कट करने के लिए किया जाता है, लेकिन कार्य थोड़ा अलग अलग होता है। तीनों का काम तो एक ही है, पिक्चर को कट करना, लेकिन ये जो कार्य करते हैं थोड़ा अलग अलग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज को यहाँ पे ओपन करते हैं, कोई एक इमेज ले लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लैसो टूल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से होता है कि हम लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे जब तक हमारा जो है पूरा इमेज सिलेक्ट ना हो जाए। इसका प्रयोग ज़्यादातर वही कर सकते हैं जिनको माउस चलाने का अच्छा ज्ञान होता है। इससे इमेज सही तरीके से क्रॉप नहीं हो पाती है, बट इसमें वही प्रयोग करेंगे जिनको माउस चलाने का अच्छा ज्ञान है। प्रैक्टिस के लिए हम सिलेक्ट करके आपको बता रहे हैं कुछ इस तरीके से। लेफ्ट की को हम माउस से दबाए रखेंगे जब तक हमारा पूरा एरिया सिलेक्ट ना हो जाए, और वहाँ तक सिलेक्ट करना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी एरिया सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसको हमें एक बैकग्राउंड पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड तो ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम मूव टूल के माध्यम से इसको खींच के लाते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हम यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके लाए हैं, ये में देखिए कुछ बैकग्राउंड एरिया भी आ रहा है, टाइगर के पीछे बैकग्राउंड एरिया आ रहा है। तो इसको मैंने पहले ही बताया, वही प्रयोग कर सकते हैं जिसको माउस चलाने का अच्छा ज्ञान है। अगला है पॉलीगन लैसो टूल, इसका प्रयोग भी हम पिक्चर को क्रॉप करने के लिए ही करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको हम वहाँ से, जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ से देखिए थोड़ा सा हमें राउंड करना, मतलब घुमाना है, तो इसको हम लेफ्ट क्लिक कर करके हर एक पिक्चर के पोजीशन पर घुमाते हैं, नहीं तो ये सीधा ही जा रहा है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके, जहाँ पे हमें घुमाना है, राउंड करना, वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरीके से जल्दी से हम इसको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे आसानी से, एक बार नहीं दो बार, जब तक आप अच्छे से सीख पाएँ। तो यहाँ से जैसे हम इसको डबल बार क्लिक करते हैं और मूव टूल से इसको भी मूव करा लेते हैं, तो कुछ देख पा रहे हैं इस तरीके से पॉलीगन लैसो टूल के माध्यम से भी पिक्चर को हम कट करके किसी बैकग्राउंड या न्यू पेज पर हम आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है हमारा, इसी में मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल का प्रयोग एक बार हम क्लिक कर देंगे लेफ्ट और पिक्चर के किनारे किनारे उसको हम ड्रैग करते हुए चले जाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर उसको डबल बार क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके। सबसे अच्छा टूल हमारा मैग्नेटिक लैसो टूल है किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए। देखिए कितना अच्छे से, ठीक है, बिना बैकग्राउंड के क्रॉप होकर के आ चुका है। तो मैग्नेटिक लैसो टूल का भी प्रयोग पिक्चर को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। आगे जो हम सीखेंगे अगला है जो है हमारा क्रॉप टूल। किसी भी इमेज के कुछ एरिया को हटाना है तो क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं, या कुछ इमेज का थोड़ा ही एरिया रखना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मूव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रॉप पे। तो देखिए जितना एरिया हमने क्रॉप टूल के माध्यम से सिलेक्ट किया था वही एरिया हमारा बचा, बाकी का हट चुका है। तो इस तरीके से क्रॉप टूल का प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। केवल अभी टूल का आपको प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। आगे जो है क्रॉप टूल के बाद जो हमारा अगला टूल आएगा वो होगा पेंसिल टूल और ब्रश टूल। पेंसिल टूल और ब्रश टूल का प्रयोग पेंट में आप सीख ही चुके हैं। ब्रश का कार्य क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड एरिया को कलर करना है तो ब्रश टूल के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से पेंसिल टूल का भी कार्य आप कर सकते हैं। अगर इसका कलर हमें बदलना है तो फोरग्राउंड कलर को चेंज करेंगे तो हमारा जो है पेंसिल का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल जो होता है इरेजर जैसा कार्य करता है, बैकग्राउंड पर जितना कार्य भी किया गया है उसको हम हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से आसानी से हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी कार्य करिए, आर्ट हिस्ट्री
ब्रश टूल ये आपके बैकग्राउंड को धुंधला करता है, बैकग्राउंड को धुंधला करता है। इरेजर की साइज राइट क्लिक करके आप घटा और बढ़ा सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड को धुंधला कर दिया है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ने। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से आप बैकग्राउंड को धुंधला कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल से प्रीवियस कार्य जितना भी आपके इमेज यानी बैकग्राउंड पर किया गया है उसको हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी या लग रही है। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आगे जो हमारा टूल आएगा वो होगा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, किसी भी इमेज को दूसरे बैकग्राउंड पर ये डुप्लीकेट यानी कॉपी बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करने के लिए जिस इमेज को हमें दूसरे इमेज पर निकालना है उस इमेज पर हमें करना क्या होगा, अल्ट की को क्लिक प्रेस करके लेफ्ट माउस का क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जिस बैकग्राउंड पे मैं निकालना है उस पर लेफ्ट दबा के और ड्रैग करते रहना है माउस को। तो कुछ इस तरीके से देखिए जो हमारा जो दूसरा इमेज था उसको हम बैकग्राउंड पर आसानी से निकाल रहे हैं ये हीलिंग ब्रश टूल के माध्यम से। पुनः आप लोग ध्यान दीजिए हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहले हमें उस इमेज पर क्लिक करना होगा जिस इमेज को दूसरे बैकग्राउंड पर निकालना है। तो उस पर जैसे हम जाएंगे अल्ट की को प्रेस करेंगे यानी अल्ट की को प्रेस रखेंगे और लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर इमेज पे आएंगे और इमेज पे आने के बाद लेफ्ट क्लिक करके हम ड्रैग करते हुए चले जाएंगे और वो हमारा इमेज बैकग्राउंड पर आता हुआ चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पेज टूल होता है। पेज टूल का कार्य क्या होता है, फोटोशॉप में किसी भी इमेज के दाग या धब्बे को हटाना है तो पेज टूल का प्रयोग करते हैं। फोटोशॉप में किसी भी दाग या धब्बे को हटाने के लिए पेज टूल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बैकग्राउंड पे हमने ग्रीन कलर का एग्जाम्पल के तौर पर एक धब्बा दे दिया, अब इसको हमें हटाना है तो पेज टूल का प्रयोग करेंगे। पेज टूल को हम सिलेक्ट करके अब उस धब्बे को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें हटाना है। अब ये देखिए मैंने पेज टूल से सिलेक्ट किया, अब हमें करना क्या है, इससे मिलता जुलता कलर जहाँ पे उस पर हमें उसको ड्रैग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम फिर से देखेंगे एक बार। पेज टूल का प्रयोग किसी भी दाग धब्बे को हटाने के लिए, पहले तो मैंने यहाँ पे एक दाग धब्बा बना दिया, अब करना क्या है पेज टूल पे जाएंगे। पेज टूल पे जाने के बाद इसको हमें सिलेक्ट करना है। देखिए हमने सिलेक्ट किया इसको और इसको मूव करते हैं दूसरी साइड को जहाँ पर उससे मिलता जुलता कलर है, कुछ इस तरीके से छोड़ दिए। जैसे छोड़ेंगे देखिए यहाँ पे वो धब्बा हट चुका है। अब इसको डिसलेक्ट कर दीजिए, मतलब कंट्रोल डी यानी डिसलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग फोटोशॉप में बहुत आसानी से कर सकते हैं और पेज टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे जो हमारा अगला है जो टूल आएगा वो होगा क्लोन स्टैम्प टूल। ब्रश टूल और पेंसिल टूल मैंने पहले ही बताया ब्रश टूल का प्रयोग क्या होता है, पेंसिल टूल का प्रयोग। अगला है हमारा मैजिक वांड टूल जो छूट रहा है। मैजिक वांड टूल क्या करता है, ये सिंपल कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मेरे पास टाइगर की इमेज है, इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट करते हैं और अपने बैकग्राउंड पर मूव करते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से मूव किए बैकग्राउंड पे। अब देखिए इस टाइगर में जो हमारा वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। तो मैंने पहले ही बताया मैजिक वांड टूल का प्रयोग किसी भी बैकग्राउंड को सिंगल कलर को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे मैजिक वांड टूल पे क्लिक किया और बैकग्राउंड पे क्लिक किया वाइट वाले पे, देखिए मेरा पूरा सिलेक्ट हुआ और डिलीट की प्रेस की। तो देखिए एक बार में पूरा हमारा बैकग्राउंड जो वाइट कलर का था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से अब इसको देखिए थोड़ा सा इसमें पार्ट हमारा वाइट कलर का छूटा हुआ है। फिर से हम मैजिक वांड टूल पे जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते और डिलीट किया देखो पूरा डिलीट हो चुका, कंट्रोल डी यानी डिसलेक्ट। फिर इस इमेज को हमें छोटा करना है तो कीबोर्ड से आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म करके इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म के माध्यम से छोटा कर लिया, अब इसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मैजिक वांड टूल के माध्यम से हम किसी भी एक सिंगल कलर को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक।
हम आपको टूल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में आगे क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल बताएंगे। यहीं तक आप लोग सीखिए।